हे एवरीवन, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड स्टार्ट किया था और डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेज वाला टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था। मतलब उसमें से जो पहला पार्ट है उसको हम लोगों ने कवर किया था। तो डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स, ये हम लोगों ने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था कि डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स एसिड दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड हम लोग को प्लांट से मिलता है जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट होता है। और एग्जांपल में हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्जिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और ये भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। और मैंने क्वेश्चंस भी दिखाया था कैसे पूछे जाते हैं। अब जो सेकेंड टाइप है वो है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड हम लोग क्या जानते हैं, इसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिनरल से ऑब्टेन होता है, इसमें कार्बन नहीं होता। बट एक एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोनिक एसिड का, और हम लोग क्या जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा रिवीजन, जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था उसको मैंने थोड़ा रिकैप किया है। अब जैसा कि जानते हैं कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो मैक्सिमम चांस है कि एग्ज़ाम टाइम पे हो। तो हम लोग को अभी तक उससे रिलेटेड कोई नोटिस तो एग्जैक्टली आया नहीं है, पर हम लोग को यही मान के चलना है कि एग्ज़ाम जैसे नॉर्मली होता था वैसे ही होगा। इसका मतलब सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो टेस्ट्स हैं, ताकि एग्ज़ाम एग्ज़ाम का पहला जो एग्जामिनर जब उनका पेपर चेक करता है तो उसका सबसे पहला, हम लोग को वो जानता नहीं है। तो हम लोग को वो कैसे जानता है, हम लोग के पेपर के थ्रू जानता है। तो हम लोग के पेपर में कैसे हम लोग अपना आंसर को प्रेजेंट करें वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सब आता है टेस्ट देने से। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्रीमियम कोर्स बनाया है। इसमें आप बायोलॉजी केमिस्ट्री का टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट सीरीज शुरू से लेकर अभी तक जो है सब टेस्ट, जितना भी चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है और जितना भी चैप्टर आगे होगा सबका टेस्ट होगा एक एक करके। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अभी जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसके हिसाब से, क्योंकि बुक में तो आप चेक करोगे तो पूरा सिलेबस मिलेगा, लेकिन मैं ऐसे डिज़ाइन करूँगी जो चीज़ सिलेबस से हट चुका है वो मैं नहीं बताऊँगी, और जो जो है उसको बताएंगे सिलेबस में। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो बताएंगे, कि कैसे कीवर्ड्स पहचानना है और कीवर्ड्स को कैसे हाईलाइट करना है। क्योंकि आप देखना कि जो टॉपर्स होते हैं उनका पेपर मैंने सर्च किया था इंटरनेट पे, तो वो लोग बोलते हैं कि कीवर्ड्स को हाईलाइट करने, तो कीवर्ड्स आप लोग पहचाना हो कैसे। तो ये प्रीमियम कोर्स में ये सब कुछ है। आप लोगों को सबसे पहले तो वीडियो मिलेगा जिसमें कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मिलेगा, उसका आंसर हम बताएंगे कि आंसर कैसे लिखना है, कीवर्ड्स को कैसे पहचानना है, अंडरलाइन करना है। साथ ही में जो टेस्ट आप लोग दोगे, टेस्ट में भी हम टेस्ट का आंसर जब आप लोगों को देंगे तो उसमें हम एक मॉडल आंसर आप लोगों के सामने रखेंगे, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डायग्राम यहाँ पे हो सकता है। तो इससे आप लोगों का स्कोर, आप जिस भी स्कोर के बीच में स्टक होते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट होता है 80-90 के बीच में उसका स्कोर होता है, किसी का होता है 50-60 के बीच में स्टक, तो वो जो जिस मार्क्स पर आप लोग स्टक हो उससे आप लोग आगे बढ़ पाओगे, उससे ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो इसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी जिससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद फिर अगर कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे भी अपना क्वेरी डाल सकते हो। ये प्रीमियम कोर्स आप लोगों को टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करने में और अच्छे से प्रेजेंट करने में बहुत हेल्प करेगा। आप लोगों का मार्क्स ऑब्वियसली बूस्ट होगा, और ऐसा कोर्स मैंने इंटरनेट में अभी तक नहीं देखा है। और ये और एक और डाउट आप लोगों को आ सकता है कि क्या जो वीडियोस है उनके लिए भी कुछ पे करना पड़ेगा। तो वीडियोस पे के लिए कोई पे नहीं करना पड़ेगा, वीडियोस बिल्कुल फ्री रहेगी। ये प्रीमियम कोर्स में जो चीज़ें हैं वो पेड होगी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में पहला डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स हम लोगों ने देख लिया था। अब डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, बेसिसिटी के बेसिस पे किस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं एसिड को वो देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिसिटी क्या होता है, तो यहाँ डेफिनेशन दे रखा है कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड। इसका मतलब किसी भी एसिड का अगर एक मॉलिक्यूल हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे सपोज HCl, ये HCl का एक मॉलिक्यूल, अगर हम दो इसके आगे टू लिख दे तो दो मॉलिक्यूल हो जाएगा, लेकिन अभी ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, इसको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें, पानी में डाल दें, तो ये कितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो है ये सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया, वन, क्योंकि इसने एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया है। अगर कोई दो प्रोड्यूस करता है, अगर कोई ऐसा है जिस जैसे कि H2SO4, ये जब हम लोग इसको जब सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये दो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा,
तो इसका बेसिसिटी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेसिसिटी क्या होता है वो हम लोग को समझ में आया। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि मोनोबेसिक एसिड क्या होता है। तो मोनोबेसिक एसिड बहुत सिंपल सा है कि जिसमें जो एसिड सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड, जैसे कि HCl। अच्छा, तो दिमाग में ये आ सकता है कि जिसका भी एक हाइड्रोजन होगा वो मोनोबेसिक होगा, जैसे HBr, HNO3, HI। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं CH3COOH, इसमें 4 हाइड्रोजन है मगर फिर भी ये मोनोबेसिक है। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझना है वो हम बताएंगे, डोंट वरी। इसीलिए इस लेक्चर को, ये जो लेक्चर है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना है। बहुत अब सारा कंसंट्रेशन यहाँ ले आओ, क्योंकि इसमें बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बार समझ जाना है, बस एक बार समझने में मेहनत लगेगा, उसका फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छा से बनेगा, आराम से बनेगा। तो अब यहाँ पे लिखा है कि जितना भी मोनोबेसिक एसिड होता है वो सिर्फ एक नॉर्मल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये एसिड है और ये बेस है, दोनों को हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो आयोनाइज होता है, मतलब कि जो एच पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है NaCl, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एक नॉर्मल सॉल्ट है। अगर कोई ऐसा सॉल्ट है जिसमें कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऐसा हाइड्रोजन जो आयोनाइज हो सकता है, मतलब जो एच प्लस आयन में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको हम लोग एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले, जब डायबेसिक एसिड पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो अब बात आता है कि यहाँ पे ये जो है CH3COOH, ये मोनोबेसिक एसिड कैसे हो गया, तो इसको हम बताते हैं। देखो, सबसे पहला बात ये याद रखना कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि HBr, HI और HCl, इन तीनों में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इनमें जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वही उनका बेसिसिटी होता है। जैसे कि HCl में एक हाइड्रोजन है तो ये मोनोबेसिक। अब जिसमें ऑक्सीजन है उसमें हम लोग को उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। अब स्ट्रक्चर सुनते ही आएगा, अरे बाप रे, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, पर ये बहुत इजी स्ट्रक्चर, एक ट्रिक बताने वाले हैं। तो देखो, मोनोबेसिक में तो ये स्ट्रक्चर उतना काम नहीं आएगा, लेकिन डाइबेसिक, ट्राइबेसिक में, ये सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इन स्ट्रक्चर्स का। ये जो स्ट्रक्चर्स पता होगा तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। तो कैसे देखते हैं, HNO3 का हम लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो चीज़ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हम लोग पहले नाइट्रोजन लिखेंगे। उसके बाद फिर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1, और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 3। अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, ये जो नाइट्रोजन हम लोग लिखे हैं, एक डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन जोड़ देना है, सबसे पहला स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन क्या हुआ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जो चीज़ है उसको हम लोग लिखेंगे और उसके साथ एक ऑक्सीजन हम लोग डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, अब बचा 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। अब हम लोग पेयरिंग करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पेयर करेंगे OH का, तो ये हाइड्रोजन ख़त्म हो गया और ये ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। अब क्या और पेयरिंग हो सकता है, अब और पेयरिंग नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन ख़त्म हो चुका है, तो अब हम लोग ऑक्सीजन को लिख देंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख देना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट क्या है कि अब कौन सा हाइड्रोजन आयोनाइज होगा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है वही आयोनाइज होता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है और वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए आयोनाइज होगा। अब इसको ज़रा और अच्छे से समझने के लिए हम लोग CH3COOH का एग्जाम्पल लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो CH3 कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, हम लोग जानते हैं, तो कार्बन 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना लिया, अब ये चौथा बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ, और ये दूसरा कार्बन है COOH, तो ये भी 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और कुछ इस तरीके से। तो इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो कि कितना हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, बाकी ये तीनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो जो कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो आयोनाइज नहीं हो सकते, जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है सिर्फ वही आयोनाइज हो सकता है। ठीक है,
तो जब जहाँ पे भी सी ओ ओ एच लिखा हुआ रहे ना, वहाँ समझ जाना कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बनने वाला है, कि कार्बन यहाँ पे, फिर ओ एच, और यहाँ पे कार्बन किसी और के साथ भी जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे सी एच थ्री, ठीक है। तो अब ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा वही आयोनाइज होगा, ठीक। तो ये हो गया मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड में अब और भी कुछ इम्पोर्टेंट बात लिखा हुआ है कि जो बेसिसिटी है किसी एसिड का, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड नहीं करता है कि एक मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बट वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है। जैसे कि हम लोग CH3COH में देखे थे कि टोटल चार हाइड्रोजन था, मगर उसका बेसिसिटी 4 तो नहीं था, उसका बेसिसिटी 1 था, वो मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के बारे में यहाँ पे फिर डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैंने इससे पहले लेक्चर में दिखाया था कि कुछ ऐसा था कि इनमें से किन में चार हाइड्रोजन होते, तो एसिटिक एसिड में चार हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं एसिटिक एसिड में, पर फिर भी ये मोनोबेसिक एसिड है। चार एसिटिक एसिड मतलब चार हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के बावजूद ये मोनोबेसिक एसिड है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आयोनाइजेबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेबल मतलब कि जो H पॉजिटिव, जो आयोनाइज हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इट मॉलिक्यूल आयोनाइज बाय लिबरेटिंग वन हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब इसका ये वाला जो हाइड्रोजन है वो लिबरेट होगा और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा, बस यही हाइड्रोजन, इसीलिए इसका बेसिसिटी होता है 1, यानी मोनोबेसिक। अब डायबेसिक, डायबेसिक मतलब कि दो हाइड्रोनियम आयन ये प्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग को जितना भी एग्जांपल, अच्छा हम एक शॉर्टकट भी बताने वाले हैं, ठीक है, पर शॉर्टकट हम थोड़ा लेट में बताएंगे। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो है सल्फर, उसको लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन जोड़ देंगे। तो अब कितना ऑक्सीजन बचा, 3 ऑक्सीजन बचा है, और हाइड्रोजन कितना है, 2। अब हम लोग पेयरिंग करना शुरू करेंगे, तो OH, ठीक है। तो ये दोनों हाइड्रोजन ख़त्म हो गए, ये दोनों ऑक्सीजन भी ख़त्म हो गया, तो अब पेयरिंग नहीं हो सकता। तो अब ये जो अकेले ऑक्सीजन बचा है वो ऐसे करके इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, 2। तो इसका बेसिसिटी कितना होगा, 2, ठीक। अब ऑक्सलिक एसिड देखो, ऑक्सलिक एसिड में COOH होल ट्वाइस है, तो COOH स्ट्रक्चर हम लोग को पता है कैसा होता है। अब यहाँ पे कार्बन का यहाँ पे सिर्फ 3 ही बॉन्ड बन रहा है, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड और क्या करेगा, दूसरे कार्बन के साथ ये फॉर्म करेगा, ठीक है। ये जो दूसरा कार्बन है इसका भी सेम स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, 2। तो इसका भी जो बेसिसिटी है वो हो जाएगा 2, यानी ये भी डायबेसिक एसिड। तो अब हम लोग देखते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सबका वही है, सबका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसमें भी दो हाइड्रोजन है। तो अब तो बात ये आता है कि इन सब में तो दो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब जितना भी दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो सब डायबेसिक होंगे, तो नहीं। एक और हम लोग एग्जांपल देखेंगे, पर वो एग्जांपल देखने से पहले यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं कि ये जो आयोनाइज होता है दो स्टेप में आयोनाइज होता है। पहला स्टेप में इसका एक हाइड्रोजन आयोनाइज होगा, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, और ये HSO4 नेगेटिव फॉर्म होगा। फिर दूसरे स्टेप में ये जो है HSO4 नेगेटिव, ये वाटर के साथ अपना एक और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, फिर SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ओके। इसी तरह से H2CO3 भी दो, मतलब कि जो डायबेसिक एसिड है वो दो स्टेप में आयोनाइज होंगे, जो मोनोबेसिक एसिड है वो सिंगल स्टेप में आयोनाइज हो जाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ एक हाइड्रोजन छोड़ना होता है, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन छोड़ना होता है, इसलिए दो स्टेप लगेगा। अब देखो कि डायबेसिक एसिड में दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है,
तो इसीलिए इसमें दो तरह का सॉल्ट बनता है, एक एसिडिक सॉल्ट बनता है, एक नॉर्मल सॉल्ट बनता है, जबकि मोनोबेसिक में सिर्फ एक ही तरह का सॉल्ट बन रहा था और वो था नॉर्मल एसिड। यहाँ पे H2SO4 का बेसिसिटी कितना है? 2। इसका मतलब कि इसमें दो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो सॉल्ट बन रहा है इसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब कि इसमें एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग एसिड सॉल्ट बोल रहे हैं। ये सॉल्ट में आयोनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसीलिए इसको हम लोग एसिड सॉल्ट बोल रहे हैं। जबकि ये वाला सॉल्ट देखो, ठीक है बिल्कुल दिखाते हैं, ये वाला सॉल्ट देखो, ये वाला सॉल्ट में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसमें दोनों का दोनों जो हाइड्रोजन है उसको सोडियम ने रिप्लेस कर दिया, इसलिए इसको हम लोग नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे H3PO3 में तीन हाइड्रोजन है, तो अगर कोई ऐसे ही नॉर्मली देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि इसका बेसिसिटी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फॉस्फोरस हम लोग बनाएंगे, पहले P लिखेंगे, फिर हम लोग का सिंपल सा फंडा है कि पहले एक ऑक्सीजन ऐड कर देना, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कितना हाइड्रोजन है। तीन हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है और दो ऑक्सीजन अब बचा है। अब हम लोग पेयरिंग करना शुरू करते हैं, तो ये दोनों का पेयरिंग कर देते हैं और ये दोनों का पेयरिंग कर देते हैं, हो गया। अब ऑक्सीजन और बचा नहीं है, सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन। तो अब इसमें से कितना हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है? सिर्फ ये दोनों हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये आयोनाइज नहीं होगा, इसीलिए इसका बेसिसिटी कितना होगा? 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि नॉन रिप्लेसेबल, ये जो हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है वो नॉन रिप्लेसेबल है। अब बात आता है कि एग्ज़ाम में अगर लिख दिया है तो हम लोग उतना डायग्राम ड्रॉ करने जाएंगे, तो अगर डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है तो एक शॉर्टकट बताते हैं क्या करेंगे हम लोग। हम लोग को जो कम है उसको चुनना है, कम चुनना है मतलब क्या, देखो जितना भी ऑक्सीजन का नंबर है उसमें से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे। तो इसमें हम लोग माइनस 1 किए तो ऑक्सीजन का नंबर कितना आ गया? 2। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 3। दोनों में से कम कौन है? 2। तो इसका बेसिसिटी हो जाएगा 2। अब इसको जरा हम लोग दूसरी चीज़ में भी अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इधर ट्राई बेसिक एसिड आ गया, अब जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके उसमें हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। जैसे H2SO4 में हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 4। पर हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 3। अब 3 और 2 में कम कौन है? 2 कम है, तो इसका भी बेसिसिटी हो जाएगा 2। और यहाँ पे तो हम लोग का ये स्ट्रक्चर याद रखना होगा, COH जहाँ पे भी रहेगा, तो जो ये OH साथ में लिखा हुआ है यहाँ पे होल ट्वाइस है, इसका मतलब 2। अभी यहाँ पे हम लोग ज़रा देखते हैं सल्फ्यूरस एसिड, इसमें भी ऑक्सीजन 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी 2 हाइड्रोजन भी 2, तो दोनों इक्वल है तो हम लोग 2 ही लेंगे। इसका बेसिसिटी भी 2 निकल गया, मतलब अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं पड़ रहा है। अब हम लोग कार्बोनिक एसिड देखते हैं, कार्बोनिक एसिड में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन 3, तो 3 माइनस, हम लोग ऑक्सीजन का नंबर एक घटाना है ना, तो 3 माइनस 1 कर देंगे तो 2, तो फिर 2 आ रहा है तो हम लोग 2 लेंगे, यानी कि डायबेसिक। अब ज़रा हम लोग मोनोबेसिक वाला एग्जांपल हम लोग ज़रा देखते हैं, यहाँ पे HNO3 में हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन का जितना भी नंबर है उसमें 1 माइनस कर देंगे, तो ऑक्सीजन का नंबर हो गया 2 और हाइड्रोजन का कितना है? 1, तो दोनों में से कम कौन सा है? 1, तो ये हो जाएगा मोनोबेसिक। तो ये ट्रिक है, और इस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मोनोबेसिक है कौन सा डायबेसिक है, तो आज के लिए ये कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, इसलिए ट्राईबेसिक जो है हम कल बताएंगे, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाए और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप लोगों का चला जाए, इसीलिए हम ट्राईबेसिक आज नहीं बता रहे। और कल जब हम ट्राईबेसिक बता देंगे तो हम क्वेश्चन भी दिखा देंगे कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बात कि आप लोग ये प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करेंगे तो फिर आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, एकदम टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को रेगुलर मिलेंगे, और आप लोगों को इवेल्युएशन और प्रेजेंटेशन के भी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे जो आपको इंटरनेट में और कहीं बहुत मुश्किल से शायद मिले। ओके, तो इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं, बाय।